गाइस नमस्ते, स्वागत है आपका टैरो बाय टीजे आपके अपने चैनल पर। एज प्रॉमिस्ड आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग। आपके पर्सन की आज की एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं आज के दिन में, या जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है उस समय पर, उस पर्टिकुलर डे पर आपके पर्सन की एनर्जी आपके टूवर्ड्स कैसी रहने वाली है ये इस रीडिंग में हम देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है और क्योंकि हम करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं तो ये जो रीडिंग है गाइज, ये पर्टिकुलर रीडिंग सभी के लिए है, भले ही आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या आप क्रश के लिए देख रहे हो, या अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, वॉट एवर द सिचुएशन इज, मैरिड अनमैरिड, इट इज ऑल्सो अ टाइमलेस रीडिंग इन केस मैंने मेंशन नहीं किया है। तो जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूं, प्लीज अपने पर्सन की एनर्जी के ऊपर आपको फोकस करना है। उनका जो चेहरा है उसको विजुअलाइज कीजिए जिनकी एनर्जी आप आज के दिन में जानना चाहते हो, और 3 बार उनका नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जीज। चलिए, आपका फ्रेश फ्रेश डिविनेशन वाटर भी रेडी है, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। चलिए देखते हैं भगवान शिव की तरफ से आज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंड जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स कैसी है। सबसे पहला मैसेज मुझे जो मिल रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं या किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनके साथ में शायद वो पूरी तरीके से रिलेशनशिप में नहीं है, बट देर इज अ लाइकिंग, पसंद करते हैं दो लोग एक दूसरे को, स्ट्रांग अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे समय से अपने पार्टनर के साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहा है, बट समहाउ कुछ एनर्जी आप लोगों के जो रिलेशनशिप है, आप लोगों का जो कनेक्शन है, वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं फेड होती हुई या पुरानी होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम चल रही है कि उनके रिलेशनशिप में या उनके इस कनेक्शन में जो है एक जो चार्म है या जो स्पार्क है वो कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग हो रहा है। आई कैन सी लॉट्स ऑफ ब्यूटिफुल रोज पेटल्स, मुझे बहुत सारे सुंदर सुंदर से यहाँ पे फ्रेश रोज पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। सो कोई न्यूली वेड कपल यहाँ पर हो सकता है या शादी का थॉट जो है वो इस पर्सन के मन में है आपको लेकर के, अगर अभी तक आपकी मैरिज नहीं हुई है तो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। लेटर वी, वी से नाम शुरू होता है, ए से नाम शुरू होता है, एल से नाम शुरू होता है, प्रॉबेबली ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी हो सकते हैं और ये निक नेम भी हो सकता है जिस नाम से आप इस पर्सन को बुलाते हो। फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं पास्ट की जो आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही हैं, कुछ पुरानी ऐसी एनर्जी है जो पीछा नहीं छोड़ रही है। यहाँ पे लेटर डी और लेटर ओ भी बन गया है। आई एम ऑल्सो बींग इंडिकेटेड टूवर्ड्स द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के महीने की तरफ भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा ध्यान जा रहा है ज्यादा। लेटर बी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी से भी कई लोगों के नाम जो हैं वो शुरू होते हैं। ठीक है, कुछ पुरानी चीजें जो मैं आपको कह रही थी, पुरानी एनर्जी है कोई जो पीछा नहीं छोड़ रही है, पास्ट का कोई कर्मा है, पास्ट की कोई मेमोरी है, पास्ट का कोई पर्सन है जो बार बार परेशानियां खड़ी कर रहा है या जिनके बारे में सिर्फ बात करने से ही आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। कोई ऐसा टॉपिक भी है जिसके बारे में कन्वर्सेशन करने से आज के दिन में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा बचना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है डिस्ट्रैक्शन का, या तो ये पर्सन अपना ध्यान आपसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या आपका ध्यान किसी और पर्टिकुलर चीज से डिस्ट्रैक्ट करके रखना चाहते हैं। थोड़ा धुंधलापन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कई लोगों के पर्सन यहाँ पे ऐसे होंगे जो अभी भी इवन आज के दिन में आप लोगों के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर के शायद बहुत ज्यादा श्योर नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का ये इंडिकेशन जो है, एक थर्ड पार्टी का इंडिकेशन भी दिखाई दे रहा है।
मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आज के दिन में ट्रैवल करने वाले हैं. ओके, रीडिंग में भी शायद इसी तरीके की एनर्जी निकली थी एज फार एज आई रिमेम्बर. कुछ ट्रैवलिंग का यहाँ पे इंडिकेशन जरूर है, या कुछ मूवमेंट जरूर इस पर्सन की हो रही है. अगेन रनर चेजर सिचुएशन कई लोगों के बीच में यहाँ पे चलती भी मुझे दिखाई दे रही है. अगर आप ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हो ना, तो यहाँ पे मुझे एक्चुअल में इस सामने वाले पर्सन की तरफ से बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन वाली वाइब दिखाई दे रही है. लाइक दिस पर्सन इज वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. ठीक है, बट आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर हेजिटेशन है इनके मन में, क्या आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. कहीं ना कहीं इस इंसान की एनर्जी आज के दिन में आपको ऐसी लग सकती है कि ये या तो कोई बात आपसे छुपा रहे हैं, या इनके मन में कुछ चल रहा है उसको रिवील नहीं कर रहे हैं, और प्रॉबली जो है थोड़ा सा ईगो वाला फैक्टर भी यहाँ पे हो सकता है आज के दिन में. थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट भी इनकी बढ़ सकती है. सो बातचीत करते वक्त आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, आई कैन सी कि लाइक कुछ कुछ समय, ना कि ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेटेड रहने वाले हैं, लेकिन कोई बात ऐसी हो सकती है दिन भर में जो इनको परेशान कर दे, या जिसकी वजह से ये थोड़े से इरिटेट हो जाए. तो वो उस तरीके की चीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है. अगेन लेटर एल बन रहा है. एल कैन ऑल्सो स्टैंड फॉर लव गाइज. सो लव कनेक्शन, वेरी स्ट्रांग लव कनेक्शन. लेटर पी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बनता हुआ. पी, ओके, पी है, डी है, ये सी भी है यहाँ पे. ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं गाइस. राशियां अगर मैं आपको बताऊं, जहां तक मुझे दिखाई दे रही है सबसे स्ट्रांग, तो मेरे को आज केप्रिकॉन राशि दिखाई दे रही है. केप्रिकॉन वाले बहुत सारे लोग हैं, देन एक्वेरियस वाले बहुत सारे लोग हैं, सेजिटेरियस वाले बहुत सारे लोग हैं. सब विंटर एनर्जी वाले आ रहे हैं यहाँ पे. ओके, और दिस कैन बी अ पर्सन हु इज एक्चुअली वेरी कोल्ड इन बिहेवियर. ठीक है, इनका बिहेवियर जो है वो कोल्ड बिहेवियर हो सकता है, या हो सकता है कि पिछले कुछ समय से ये पर्सन आपको एक कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं. कोल्ड शोल्डर देने का मतलब कि लाइक बहुत अच्छा व्यवहार आपकी तरफ इनका नहीं है, या आपके ऊपर ध्यान ना देने की कोशिश कर रहे हैं. अगेन वो डिस्ट्रैक्शन का जो मैसेज आ रहा है, जो मैंने आपसे अभी कहा था कि या तो आपसे ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आज के दिन में आपका ध्यान किसी पर्टिकुलर चीज से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं. यहां पर मुझे ऐसा भी लग रहा है, मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रांग मैसेज फॉर पीपल हु आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन. जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनके लिए मैसेज आ रहा है. आपके पर्सन के माइंड में कोई ऐसी बात आ सकती है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आप तीनों के ही रास्ते जो हैं, लाइफ जर्नीज जो हैं, वो एकदम अलग होने वाली हैं, या आप तीनों ही जो हो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप जाने वाले हो. आपके पर्सन अगर आपसे अलग होंगे तो वो थर्ड पार्टी के साथ में भी लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं. एंड एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, थर्ड पार्टी के लिए अलग से आई विल डू टैरो कार्ड रीडिंग ऑल्सो. टैरो कार्ड रीडिंग भी करूंगी और कैंडल वैक्स रीडिंग भी करूंगी. सो स्टे ट्यून्ड अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और ज्यादा डेप्थ में आप अपनी सिचुएशन को लेकर के जानना चाहते हो एनर्जी. ठीक है गाइज, आई कैन ऑल्सो सी दैट ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, इनकी तरफ से एक लॉयल्टी का फैक्टर मुझे दिखाई दे रहा है. बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो बहुत लॉयल हैं उनकी तरफ, ये दिल से बहुत ज्यादा आपसे जुड़े हुए हैं, या बहुत ज्यादा लॉयल ये फील कर सकते हैं आज के दिन में. ठीक है, कि इनको अपना माइंड या अपने जो इमोशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ ही फोकस्ड रखने हैं. और इनको, जैसे मैंने बोला, अगेन डिस्ट्रैक्शन मैं कहूंगी आज की जो थीम है ना रीडिंग की, वो डिस्ट्रैक्शन ही है, कि इनको अपना माइंड और किसी पर्सन की तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है. ओके, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो बड़ी जल्दी से रिलेशनशिप में आ गए हैं, और उनके पर्सन, या तो उनके पर्सन के लिए वो पर्सन जो है वो एक रीबाउंड है, या वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है, या आपके लिए आपका पर्सन जो है वो रीबाउंड हो सकता है. कुछ पुराना दिल या तो आपका टूटा था या सामने वाले पर्सन का टूटा था, और बिना सोचे समझे कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बड़ी जल्दी से कनेक्शन में आ गए हैं, सिर्फ अपने आप को
हील करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे फियर भी दिखाई दे रहा है, अकेले ना रह जाने का डर, सिंगल ना रह जाने का डर, कहीं ऐसा ना हो कि सबकी शादी हो जाए और मैं अकेला रह जाऊं या मैं अकेली रह जाऊं, जो भी आपका जेंडर है या जो भी आपके पर्सन का जेंडर है, ठीक है, ये चीज, वो फियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, लेकिन काफी सारे, मैं कहूंगी 60% लोगों के लिए ये थॉट है, आज के दिन में ये थॉट जरूर माइंड में आएगा कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से जो वो एक फ्रस्ट्रेशन वाली बात मैं आपसे कह रही थी कि फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो सकती है, ओके, वो एनर्जी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कई रिश्ते देख चुके हैं, कहीं बात पक्की नहीं हो रही है, कोई डील जैसे फाइनल नहीं हो रही है, कोई रिश्ता फाइनल नहीं हो रहा है, या आप ये रीडिंग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हो जिनका रिश्ता आया है और इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ भी श्योर आंसर नहीं मिल पा रहा है। अगर ये आपकी सिचुएशन है तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन जो है और भी बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, और भी कई जगह ये इनका ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है, अगेन डिस्ट्रैक्शन, ओके, जिस वजह से ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जिन लोगों के, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और अपने पर्सन के साथ में सेटल डाउन होना चाहते हैं, बात भी करते हैं अपने पर्सन से कि आपको कब शादी करनी है या आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, और आपके पार्टनर अगर आपको कोई क्लियर आंसर नहीं दे रहे हैं, वहां पर भी यही मैसेज आ रहा है कि ये व्यक्ति जो है इनका माइंड बहुत सारे डायरेक्शंस में चल रहा है, मे बी करियर के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपने इंडिविजुअल फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो कई सारी चीजों पे इनका फोकस जो है वो अभी जा रहा है, जिस वजह से ये एक पर्टिकुलर जो शादी का टॉपिक है उसके बारे में ये ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या सोच रहे हैं कि ये इस समय पर मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी इस समय पर कुछ और है, ये फीलिंग इनकी आज के दिन में हो सकती है। ऑल्दो ये चाहते हैं कि इनका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस आपकी तरफ ही केंद्रित रहे, क्या अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में हो तो ये जो कुछ आपको ऑफर कर सकते हैं एज अ गुड पार्टनर वो सब कुछ ही आपको दें, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं माइंड में एक डिस्ट्रैक्शन आज के दिन में इनके रहने वाली है। ओके गाइस, सो आज की रीडिंग के लिए इतना ही। वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा एज माई एनर्जी एक्सचेंज, वो मेरा एनर्जी एक्सचेंज है, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।